चने में किस तरह की स्थिति लाल चने में हम देख रहे हैं आज, चने, क्या दाम रहे? चने में आज कुछ बाजार 25-50 रुपए ढीले हैं। राजस्थान की मंडियों में आवक बढ़ी है, जिसका इम्पैक्ट थोड़ा सा बाजार में मंदी के रूप में आया है। अच्छा, जैसे आगे पहले भी कई सालों तक ऐसे ही चलते आ रहा है कि आवक बढ़ती है तो बाजार थोड़ा सा टूटता है, तब होता है। उस हिसाब से बाजार में थोड़ा सा प्रेशर आया है आवक का, उससे बाजार थोड़ा सा 25-50 रुपये कम हुआ है। आगे भी कुछ 25-50 रुपये और कम होने की, मतलब यहाँ से 100 रुपये और अपन मद्दा मान सकते हैं, उसके बाद बाज़ार में कुछ स्टेबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि ग्राहकी भी चलेगी, शादी का भी सीज़न चल रहा है, सब चीज़ें रहेंगी, तो उसके बाद बाज़ार थोड़ा सा स्टेबल होगा। और लगातार हम देख रहे हैं कि चने की आवक अब धीरे धीरे जो है बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, यदि आवक बढ़ती है तो क्या दाम में कमी हमें देखने मिलेगी? दाम वैसे देखा जाए तो पहले ऊपरी रेंज से 400 से 500 रुपये कम हो ही चुके हैं। मतलब चना जनवरी फरवरी में जब नया आना स्टार्ट हुआ था, कहीं भी 6,000-6,200 रुपये की रेंज थी, जो कि अभी 5,700-5,800 रुपये की रेंज है, तो कहीं भी 400-500 रुपये टूट चुके हैं और 100 रुपये की और मंडी यहाँ से कुछ दिखती है। इससे ज़्यादा MSP से नीचे चना जाएगा नहीं, गवर्नमेंट MSP खरीदी करने के लिए तैयार है ही। अगर MSP गवर्नमेंट का चना टूटता है तो उससे कम में किसान भी चना बेचेगा नहीं, MSP से नीचे अगर चना जाता है। मुझे नहीं लगता है कि चना कहीं भी MSP से नीचे 55-56 से नीचे कहीं चना जाएगा अभी। अच्छा, आवक की स्थिति क्या लग रही है, कैसे आवक हो रही है? आवक अप्रैल महीने में कुछ बढ़ना चाहिए, अभी जहाँ पे चने कटे नहीं है सब जगह कट के तैयार हुआ है माल। राजस्थान की क्रॉप अप्रैल मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट माना चालू होती है, जो शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा सा आवक का प्रेशर बढ़ेगा, आवक का प्रेशर बनेगा तो कहीं ना कहीं सप्लाई भी बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ी सब हुआ उसके बाद में बाज़ार थोड़ा सा स्टेबल होकर कहीं ना कहीं बाज़ार में आगे फ्यूचर बहुत अच्छा लगता चलेगा। कहाँ कहाँ से डिमांड है हमारे पास चने की अभी वर्तमान में? चने में मेनली दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र में जा रहा है माल, साउथ जा रहा है माल अभी, और अपना UP, बिहार, झारखंड, बंगाल साइड में चने में डिमांड है थोड़ी, बट जो होनी चाहिए डिमांड जितनी उतनी नहीं है, बट हाँ फ्यूचर में 15-20 दिन बाद डिमांड चने की कहीं ना कहीं बढ़ेगी। अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं 15-20 दिन बाद जो है चने के दाम लगातार हमको, हाँ चने के दाम में कुछ सुधार यहाँ से देखने को मिल सकता है। सुधार नहीं भी दिखा तो यहाँ से बाजार टूटेंगे नहीं, मतलब एक स्टेबल बाजार आ जाएंगे, जो एक चने की प्राइस के लिए फ्यूचर के लिए बहुत एक स्टेबल चीज़ रहेगी कि बाजार यहाँ पर अगर स्टैंड रहेंगे तो कहीं आगे बढ़ के बाजार मिल सकता है। हमारे यहाँ मंडी में कहाँ कहाँ का चना आता है? अपनी मंडी में गोपालपुर, हाथोद, आगर, आसपास की कम से कम 70-100 गाँव जहाँ का चना आता है। अभी कुछ आगे कम है और कुछ जगह सेंटर जहाँ पर चालू हो चुके हैं वहाँ पर चना तुलाई चालू हो गई सरकार की, उस कारण भी थोड़ा सा आवक का फर्क पड़ रहा है, पर अप्रैल के महीने में कुछ चने की आवक बढ़नी चाहिए। चलिए, आपका नाम? सुलभ छाड़ा।